देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स, तो आप जानते हो कि एलिमेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म इन द प्योरेस्ट फॉर्म। एक ही तरीके के एटम्स के बने हुए हों, एक ही तरीके के पार्टिकल्स हों, उनमें कोई भी दूसरा केमिकल इन्वॉल्व ना हो, इस तरीके के एलिमेंट्स को जब हम प्योरेस्ट फॉर्म में जब हम लोग निकालते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग एक लिस्टेड करते हैं एलिमेंट्स को उनके नामों से, सिंबल्स से और उनके एटॉमिक नंबर से। कुछ एलिमेंट्स फर्स्ट से लेकर के 20 तक जरा आप लोग याद कर लीजिए अपने रिकैप रिवीजन में कि आपने 9th क्लास में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आप अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का टेबल अगर आप देखोगे तो आप देखोगे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, फिर आपको मिलेगा बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ऐसे सीरियल करते करते टोटल हम लोग देखेंगे 118 एलिमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन यहाँ पर संख्या बेटा ठहरी नहीं है, अभी भी फर्दर बेटा डिस्कवरीज चल रही हैं आगे के एलिमेंट्स के लिए। लेकिन अब ये जो एलिमेंट्स आप जो देख रहे हो जिनके नीचे लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज 1, 2, 3, 4, यही चीज़ हम लोगों को बेटा चेकआउट करना है। ये जो नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं इन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि किसी भी एटम में, माने किसी भी एलिमेंट के किसी भी एक पार्टिकल में, जिसको हम लोग एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं, उस पार्टिकल में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स इम्बेडेड होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी पार्टिकल जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो आउटर ऑर्बिट में सर्कुलेट करते हैं। तो यहाँ पर तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन जिनमें कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि एटॉमिक नंबर का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन अगर 1 है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 का मतलब क्या है कि इसके पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस 1 एंड माइनस 1। इसीलिए क्या होता है कि द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज फाउंड इन ईच एटॉमिक पार्टिकल। किसी भी एटॉमिक पार्टिकल में अगर हम देखेंगे तो उतने ही आपके पास प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हमेशा प्रत्येक एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल, माने उस पर ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल होता है, माने जितने उसके पास पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही उसके पास नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर आप बोलोगे कि सर अगर इस तरीके से जब प्रोटॉन्स भी उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं और प्रत्येक एलिमेंट का कोई भी एटम न्यूट्रल है, माने उसका इलेक्ट्रिकली चार्ज उसका न्यूट्रल है, तो फिर ये चार्जेस हम लोगों को क्यों पढ़ाए जाते हैं, व्हाई वी हैव टू चूज द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए, क्लास 10th में हम लोग कुछ इन बेसिक एलिमेंट से बेटा फैमिलियर होंगे, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये चार बेटा वो एलिमेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके सामने निकल करके बार बार आएंगे। और उसके बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कि आप लोग बार बार आप लोग रिएक्शंस में, इक्वेशंस में कहीं ना कहीं इनको आप पढ़ोगे। अब इनके एटॉमिक नंबर्स आप लोगों को बेटा मालूम होना चाहिए। आप देखोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम को आप देखोगे तो 20, मैग्नीशियम को आप देखोगे तो 12, एल्युमिनियम को अगर आप देखोगे तो 13, क्लोरीन को अगर आप देखोगे
तो 17, ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो 8। अब देखो मैंने रैंडमली लिखे हैं, मैंने कोई सीरियल ऑर्डर नहीं उठाया है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोडियम अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो आप देखोगे कि सोडियम का 11 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 11। 11 का मतलब यह है कि व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, सो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दीज आर द ऑर्बिट एंड दीज आर द शेल्स के एल एम एंड एन। इस कंडीशन को आप देखोगे एंड वॉट इज द पैटर्न ऑफ द टू, बताया था 8, 18 and 32, बट इन द मिनिमम कंडीशन 8, इन द मिनिमम कंडीशन 18, दैट इज द मिनिमम कंडीशन, बट 2 एंड 8 आर मिनिमम एंड मैक्सिमम। कहीं कोई दिक्कत, पहले भी बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हेन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द सोडियम, तो सोडियम का 11 क्या, इसका मतलब है कि सोडियम के पास प्रोटोन भी 11 है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी उसके पास 11 है, लेकिन वो 11 कैसे सर्वाइव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। 2 पहले वाले शेल में भेज दीजिए, 1 2। अब 11 में से बेटा 2 ऑक्यूपाई हो गए के शेल में, हाउ मैनी रिमेन, कितने बचे, तो आप देखोगे 2 के बाद अब आपके पास 11 में से बेटा 2 चले गए तो आप जानते 9, तो एल शेल में आप जानते हो दैट इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, चेक आउट। अब आप देख रहे हो कि इन द सोडियम द टू शेल्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, दे हैव कंप्लीटली फिर देयर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, येट अभी भी 11 में आप देख रहे हो कि ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन द मैक्सिमम पोजिशन, इन कंप्लीट पोजिशन, दे आर इन द स्टेबल स्टेट, दे हैव नो रिक्वायरमेंट टू गो फर्दर एनी साइड, कहीं उनको जाना नहीं है, बट अभी भी आप देखोगे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब कंडीशन यह है कि उस इलेक्ट्रॉन को आप के में तो भेज नहीं सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी कंप्लीट है, एल में आप भेज नहीं सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी कंप्लीट है, तो फिर मजबूरन हमें क्या है कि तीसरे वाले शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन को ले जाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन सुन लीजिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है कि अगर आप देखोगे तो आपके पास देखो दो कंडीशन यहां पर पॉसिबिलिटीज है, क्या आप दोनों कंडीशन में किस कंडीशन को आप अप्लाइड कर रहे हैं, मिनिमम के संग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, चेक कर लो नहीं जा रहे, मैक्सिमम के संग जा रहे हैं, भैया जब मिनिमम के साथ ही नहीं जा रहे तो मैक्सिमम के संग कहां से जाओगे, माने आपके पास केवल 1 है तो इसका मतलब है कि ये 1 अनस्टेबल है, पकड़ो बात को, अनस्टेबल माने इसका कोई वजूद नहीं है सोडियम के अंदर, माने सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख करके हमको हमेशा से ये बात मालूम चलेगी कि इसका मतलब है कि दो शेल सोडियम के ऑक्यूपाइड है, एक शेल इसका ऑक्यूपाइड नहीं है, हमेशा दिक्कत रहेगी इसके साथ में। अब सवाल इस बात का है यहां से, अब सोडियम के बाद अब देखो मैं अगर कैल्शियम को लेकर के आऊं तो कैल्शियम का 20 है तो पहले शेल में कितने ऑक्यूपाइड है, 2, दूसरे शेल में कितने ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, 8, क्योंकि आप देख रहे हो एल इक्वल टू 8। अब एम शेल में अगर हम देखें, यहां पर कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूं बेटा पर्टिकुलर, अगर एम शेल में अगर हम देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, अब बचते बचे कितने, 10। अब क्वेश्चन उठता है क्या 10 हम पूरे भेज सकते, नहीं भेज सकते, नहीं डियर स्टूडेंट्स नहीं भेज सकते, फिर से देखिए, क्योंकि एम में या तो मैक्सिमम 18 हो या आपके पास मिनिमम 8 हो, और उस 8 को हम लोगों ने नाम दिया था ऑक्टेट रूल, याद कर लो,
तो जब ऑक्टेट रूल मालूम है तो हम बेटा यहाँ पर 10 नहीं भेजेंगे, हम क्या भेजेंगे, 8 भेजेंगे। इसका मतलब है कि कैल्शियम की दो पोजीशंस मैक्सिमम कंडीशन के साथ, क्योंकि मैक्सिमम मैं बार बार इसलिए बोलूँ कि इसमें मिनिमम नहीं होता है, लेकिन तीसरी कंडीशन कैल्शियम की बेटा मैक्सिमम में नहीं है, मिनिमम के संग वो सर्वाइव कर गया, माने काम चल गया, बच गया। लेकिन अब इतना होने के बावजूद अब इसके पास बचे कितने, 10 और 18, जबकि एटॉमिक नंबर इसका क्या है 20, माने इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, माने हमें मजबूरन एन में डालना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। अब एन में क्या ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आप 32 पे भी नहीं हो, क्योंकि 32 आपके पास मैक्सिमम है। अरे भैया इसके पास दो है, कहाँ 32 की बात कर रहा हो, चलो नहीं करते, 18 पे आए। अरे भैया उसके पास 2 है, कहाँ 18 की बात करते हो, तो मतलब मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम, तो फिर ये दो फिर कहाँ जाएंगे, वेयर, कोई मतलब के नहीं है, फालतू है, अनस्टेबल, फालतू 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 फालतू। मैग्नीशियम को देखो 2, 8, 3, माने 3 क्या है, फालतू। एल्युमिनियम को देखो, वो सॉरी 2, 2 कैसे हो गए, फालतू। एल्युमिनियम को देखो 2, उसके बाद 8, 8 और 2, 10, माने 2 देखो स्टेबल है, उसके बाद 3 इसके जो बचते हैं माने कैसे अनस्टेबल, फालतू। अब ये सब जो है वो एक्स्ट्रा, देखो मैं लिख रहा हूं फालतू का मतलब क्या, एक्स्ट्रा। इसके पास भी दो कैसे हैं भैया, एक्स्ट्रा हैं उसका काम निकालने के बाद, इसके पास भी कैसे हैं अपना काम होने के बाद, 3 कैसे हैं भैया, एक्स्ट्रा फालतू। अब पकड़ना थोड़ा सा बात को बेटा, क्या फालतू फालतू सभी में चला आ रहा, नहीं। फिर से एटॉमिक नंबर को जरा चेकआउट करें, क्लोरीन के संग जरा देख लो बेटा, देख लो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2, 8, तो कंडीशन बेटा की सर्वाइवल है। अब 10 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अब बचे कितने देखो, चेक कर लो 7, यस। तो 7 अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आपने कंडीशन चेक कीजिए कि देखो दो लेवल्स यहां पर अचीव्ड हैं, लेकिन तीसरा लेवल में बेटा एक मार्जिन रह गया छोटा सा, माने 7 इलेक्ट्रॉन्स के बाद। अब हम 7 के संग देखेंगे भैया एन की पोजीशन क्या है, 9, 9, 9, ऑक्टेट रूल को क्लोरीन अचीव नहीं कर पा रही, माने 7 जो है इसके पास होते हुए भी अभी भी ये कैसा है, अनस्टेबल। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर ऑक्सीजन की मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8, आप देखोगे फर्स्ट लेवल 2 और दूसरे में आप बचे कितने 6, अरे तो और भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सेकंड में तो बेटा मिनिमम है ही नहीं, वहां तो 8 चाहिए चाहिए, लेकिन इसके पास सेकंड, इसका मतलब है कि इसका पहला लेवल ही ओनली अचीव है, माने यहां पर इसको 8 चाहिए थे सेकंड लेवल में, लेकिन इसके पास 6 है, माने 2 की क्या हो गई है, 2 की क्या हो गई है, 2 की हो गई है शॉर्टेज। तो माने इनके पास इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फालतू नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते कि अगर इनको बेटा कहीं से 2 मिल जाए ये बेकारी हो चुके हैं। क्लोरीन हमेशा रोएगा, ये चाहता है कि यार मुझको डालो इस वाले कॉलम में, कुछ भी करो, 7 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 2 मुझको कहीं से, बस। सोडियम यहीं से व्यवहार करना स्टार्ट करता है, सोडियम कहता है अरे यार क्यों दुखी होते हो, व्हाई यू आर टेकिंग द टेंशन, आई हैव ऑलरेडी 1, 1, 1, 1, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। क्लोरीन कहता अच्छा आपके पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है तो मेरे पास 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां से सोडियम ने बेटा ये पार्टिसिपेट कर दिया, दोनों के बीच में हो गई है बॉन्डिंग, माने दोस्ती, फॉर्मूला बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखो ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, चेक करो बेटा, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, खाने वाला नमक।